तुम थोड़ी बना रही हूँ, मैं बना रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आपात रहें। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे ख़ास है, क्योंकि आज माशाल्लाह से 12 रबीउल अव्वल है और इसके साथ साथ मेरी सालगिरह भी है। इस दिन के रोज़े का आगाज़ करना है, आज रोज़ा रखना है, मेरी ज़िंदगी का अजीम हिस्सा है। और आज मैं आपको रोज़े की फजीलियत भी बताऊंगी, इसके बारे में बताऊंगी कि रोज़ा रखना क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है। और अभी तो मैं फ़िलहाल सुबह कुकिंग कर रही थी, मॉर्निंग रूटीन भी आपसे शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग हो चुकी है और आज सोचा मैंने जल्दी जल्दी मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। यहाँ मैंने लौकी का सालन बनाने के लिए रख दिया है, क्योंकि चिकन मैं इसमें फ्राई करके डालूँगी जब तक मेरी लौकी भुन जाएगी। अगर मैं लौकी और चिकन साथ करूँगी तो चिकन अच्छी खासी मेरी जो है वो मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल नरम सी पड़ जाती है। तो मैं चिकन अलग से फ्राई करके डालूँगी, बहुत मज़ेदार बनाऊँगी सालन, आज ये बनाऊँगी। और भिंडी बनाने के लिए रखी है मैंने, साथ साथ मैं नाश्ता भी बना रही हूँ, चाय भी चढ़ा दी है। और बच्चों की फरमाइश पे फिर दोबारा से एक बार आलू भरे पराठे बच्चों ने कहा है। मम्मा बच्चे जो अक्सर जो है ना, मेरे बच्चे सुबह जो है वो आलू भरे पराठे चाय के साथ ज़रूर लेते हैं। तो मम्मा कहते हैं वो अंडे वगैरह इतने शौक़ से फ्राई नहीं खाते, मगर वो कहते हैं मम्मा आप जो है ना आलू भरे पराठे में चाय के साथ दिया करो सुबह सुबह के टाइम। तो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी। यहाँ सुबह सुबह मैं इनके लिए आलू भरे पराठे ही बना रही थी और साथ साथ मेरा सालन भी चढ़ चुका है। और घर भी मैंने माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है आज मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए हैं, क्योंकि आज मुझे जाना है बाहर। लाइटिंग वगैरह मैं दिखाऊँगी आपको, आज बात बाहर लेके जाऊँगी, बाहर का मैं विज़िट कराऊँगी, कराची का विज़िट टोंगी। इतने खूबसूरत बाहर बहुत सजा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे बार बार कि चलो बाहर चलते हैं, आज बाहर बहुत प्यारी सजावट हुई हुई है 12 रबीउल के हिसाब से। आज तुम्हारा बर्थडे का दिन भी है, सालगिरह भी है, और सालगिरह मेरे घर वाले मेरी अम्मी जो है वो रात में ना बुलाती हैं। मैं तकरीबन 12:30 बजे के करीब या 1 बजे के करीब उनके घर जाती हूँ, और अम्मी ने आना मुझे बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट दिया। हर साल अम्मी मुझे जोड़ा देती है, मेरे बच्चे मुझे गिफ्ट देते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली मेम्बर्स मुझे बहुत खूबसूरत खूबसूरत गिफ्ट देते हैं सालगिरह दिन। एक तो माशाल्लाह से 12 रबीउल है, ऊपर से मेरी बर्थडे है, तो मेरे लिए तो डबल खुशी हो गई। और इसलिए मैंने इंजॉय करा है, आज बहुत मज़ा आया। और रात को जाने की हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ कि चलें, काफ़ी टाइम हो गया है, लाइटें वगैरह नहीं देखी, और आज इंजॉय करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। बाहर के रोड की लाइटें, मस्जिदें सजी हुई, माशाल्लाह से घर सजे हुए, 12 रबीउल जितने धूमधाम से मनाई जाती है कराची में, और भी जगह मनाई जाती है पर मैं कराची में ही देखती हूँ हमेशा। 14 अगस्त और 12 रबीउल, ये जितने सेलिब्रेशन होती है कराची में बड़े धूमधाम से होती है, लाहौर में हर जगह होती है, पर मैं तो अभी तक सिर्फ ये लाहौर वगैरह नहीं घूमा, पेशावर और पंजाब ये सारी जगह मैंने माशाल्लाह से बड़ी घूमी है मैंने। और कराची में आप कभी जो कराची में आएँ, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, कराची की रौनक देखें, माशाल्लाह से बड़े धूमधाम से हर चीज़ बड़ी सेलिब्रेट होती है। 12 रबीउल हो गए, 14 अगस्त हो गई, तो बड़ा मज़ा आया। और रात में हम लोग जाएंगे, तैयारी की हुई है, मेरे हस्बैंड कहते कि बस तैयार रहना, और ये साथ साथ मैं आज जो है ना अपना फेशियल करूँगी और अपनी मेडिसिन भी दिखा रही हूँ। मैं मेडिसिन लेकर आई थी और ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, और यकीन जाने मेरी हड्डियों में बहुत दर्द था, मेरे घुटनों में, डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, इतना घुटनों में दर्द था कि मैं सीढ़ी से उतरना चढ़ना मेरे परेशान हो गई थी। तो मेरी अच्छी डॉक्टर, डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसने मुझे ये मेडिसिन दी कि यानी मेरे घुटनों का दर्द, मेरे हड्डियों का दर्द, एक मेडिसिन एक बोतल ख़त्म करी, तकरीबन इसमें 45 मेडिसिन होती हैं, और यकीन जाने मेरी हड्डियों का दर्द गायब हो गया। क्योंकि ज़ाहिर बात है उम्र के साथ साथ कैल्शियम की हर चीज़ की कमी होती रहती है साथ साथ, क्योंकि इतना हम लोग डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको तो मेडिसिन की ताकत की, मेडिसिन की हर चीज़ का अपना ख्याल करना चाहिए। तो ये मेडिसिन मैं कब से हस्बैंड को बोली थी, उनको याद नहीं रहता था, मैंने कहा भाई इससे पहले मुझे तकलीफ और पड़े, आप मुझे प्लीज़ है ना, मुझे हड्डियों में मेरे लग रहा है, मुझे महसूस है वीकनेस हो रही है, तो आप मुझे ना ये मेडिसिन ला के दें। तो रोज़ है ना ये एक मेडिसिन खानी होती है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो मेरी बहनें देख रही हैं जिनके घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो प्लीज़ आप ये मेडिसिन लीजिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, इससे मुझे काफ़ी रिलैक्स हुई। मेरा बहुत पुराना दर्द था घुटनों का, हड्डियों का दर्द था, और वक्त के साथ साथ उम्र के साथ साथ होता है, मगर माशाल्लाह से इस मेडिसिन से मुझे काफ़ी रिलीफ आया है, और घुटनों का दर्द और हड्डियों का दर्द तो ऐसा गायब हो गया, कमर का दर्द जैसे था ही नहीं। और ये मैंने रोज़ ऑर्डर लिया है, आज मेरी बर्थडे का दिन है, सालगिरह का दिन, तो आज मुझे फेशियल करना है इंशाल्लाह। अगर मैंने फेशियल तो करूँगी आज ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो तैयार होंगी अच्छा सा, और फेशियल जब करूँगी क्लिप बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आप ज़रूर देखेगा, या मैं शॉर्ट्स पे या फिर मैं व्लॉग पे अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैं फेशियल किस तरह से करती हूँ, क्या क्या चीज़ें मिलाती हूँ। रोज़ वाटर लेकर आई थी, ये ख़त्म हो गया था स्प्रे, ये बहुत अच्छा है,
आप ये रोज़ वाटर यूज़ किया करें। और साथ में मैं और भी चीज़ें नहीं दिखा पाई आपको, मुल्तानी मिट्टी भी लेकर आई हूँ, काफ़ी चीज़ें लेकर आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बाहर जा रहे हैं, निकल चुके हैं, खाना शाना हमने खा लिया है, शाम हो गई थी घर के काम करते करते, और हस्बैंड हम लोग लाइटें वगैरह भी आपको साथ में दिखा रहे हैं। अब जो कराची में रहते होंगे वो जानते होंगे कितनी खूबसूरत जगह है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपके आपसे रोज़े के बारे में शेयर करूँगी। 12 रविवार का रोज़ा रखना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और हम सबको 12 रविवार का रोज़ा रखना चाहिए, और 12 रविवार बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, बहुत खुशी से मनानी चाहिए। बारह रविवार का रोज़ा रखना हमारे सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये रोज़ा बरकत वाला रोज़ा होता है। ये रोज़ा सिर्फ हमारे लिए सवाब का ज़रिया नहीं बल्कि हमारे दिल को तस्कीन सुकून भी देता है। इस रोज़े की फजीलियत ये है कि दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है ये, माशाल्लाह से माशाल्लाह। और इस रोज़े के ज़रिए हम उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास सहने के नाम नहीं है कि आप भूख और प्यास रह लिए बस रोज़ा हो गया, बल्कि अपनी नफ्स को कंट्रोल करना, अल्लाह के करीब आना, और अपने गुनाहों को माफ़ी मांगना। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए आप लोग, रोज़ा रखना बहुत फजीलत है। आप रोज़ा रखते हैं यकीन जाने दिल को बहुत सुकून होता है, और आपको पता है कि इंसान जैसे हम लोग गुनाहों से बिल्कुल साफ़ हो चुके, और यकीन जाने ये रोज़ा रखने का एक अपना ही मज़ा होता है। 12 रविवार का रोज़ा ज़रूर रखा करें। हम अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, आप रोज़ा रखें, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें, और हम अल्लाह उतने करीब हो जाते हैं, अल्लाह हमारे शहर से करीब है। और माशाल्लाह से हर साल ये 12 रविवार आते हैं, और एक रोज़ा रख लिया करें आप। रोज़ा रखने में क्या जाता है, दिल से रोज़ा रखें और दिल से दुआ मांगें, और यकीन जाने खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। माशाल्लाह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशाल्लाह से आमद हुई थी एक दिन, और हस्बैंड ने और हमने प्रोग्राम बनाया था कि आज हम लोग लाइटें देखने जाएंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह रोज़ा भी रखूँगी मैं। और ये बाहर के कुछ क्लिप हैं जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल में आई हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे आप बाहर लेकर जाइए, मैं बाहर की वीडियो बनाना चाहती हूँ 12 रविवार के हिसाब से, और अपने प्यारे चाहने वालों को, अपने व्यूवर्स को मैं कराची की रौनक दिखाना चाहती हूँ। ये तो बहुत छोटे छोटे क्लिप बनाए, इंशाल्लाह मेरे साथ रहेगा, मैं और अच्छे अच्छे क्लिप लेकर आऊँगी, शॉर्ट्स पर भी अपलोड करूँगी, और व्लॉग भी बहुत अच्छा बनाऊंगी। और सब तैयारी हो चुकी है, अली और इबाद के कपड़े भी रेडी हैं, और मेरा बर्थडे है, और मेरी सालगिरह है, मेरी अम्मी घर से बहुत खूबसूरत था, मेरे बच्चे को बड़ा खूबसूरत गिफ्ट आया, इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि मेरा गिफ्ट क्या क्या है, मुझे किसने क्या क्या गिफ्ट दिया है वो भी दिखाऊंगी। हर साल मेरी अम्मी माशाल्लाह से मुझे गिफ्ट देती है, मेरे बच्चे मुझे विश करते हैं, और ये दोनों दिल में खुश हो जाती है माशाल्लाह से। एक 12 रविवार है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और मेरा सालगिरह का दिन भी है, और उस दिन आपकी सालगिरह हो तो फिर आपके तो समझे वाह वाह हो जाती है माशाल्लाह से। इतना मुबारक महीना, इतना मुबारक दिन है माशाल्लाह से। आप अपने छोटे बच्चों को है ना 12 रविवार के दिन बाहर लेके जाया करें, और भी बहुत सारे सेलिब्रेशन होती है, 14 अगस्त होती है, मगर 12 रविवार के दिन आप अपने बच्चों को बाहर ले जाया करें, जुलूस निकलेंगे माशाल्लाह से, आगे भी रोते थे और ना 12 रविवार के नारे लगेंगे माशाल्लाह से। आप बच्चों को सिखाया करें, अपने बच्चों को सीख दिया करें कि देखो बेटा आज का दिन कौन हमारे लिए कितना है, मैं बच्चों को ये रहमतों का दिन दिखाया करें, बच्चों को रोशनियों का शहर दिखाया करें, रोशनियों का मंजर दिखाया करें, और उनकी अहमियत बताया करें, इनको समझाया करें कि हमेशा से हमारा मकसद यही रहा है कि अपने बच्चों को अच्छी सीख देना। तो दोस्तों आप मेरे साथ रहेगा, और मैं आपको और मज़ीद आगे सिखाऊँगी कि आज कितने खूबसूरत खूबसूरत जगह है यहाँ पर। गलियां गलियां रोड माशाल्लाह से, मस्जिदें हर गली माशाल्लाह से सजी हुई, हर जगह रौनक। इतनी ट्रैफिक थी कराची में, इतनी ट्रैफिक थी कि अगर मुझे एक साइड गाड़ी रोककर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी स्पेशल आपके लिए। प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, और कितनी खूबसूरत मस्जिद सजी हुई है ये। आप मेरे कमेंट्स में मुझे माशाल्लाह लिख के भेजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए दूर आई हूँ, और आपके लिए मैं
ट्रैफिक में देखें, आप देख रहे होंगे कि सारे रोड बने और यहाँ पे लोग हैं, गाड़ियाँ आके नहीं जा रही, सब लोग माशाल्लाह से खड़े होकर इतना खूबसूरत मंजर मैं अपने बच्चों को भी दिखा रही हूँ, इतना खूबसूरत मंजर, ताकि अपने बच्चे भी आगे नस्ल में अपने फ्यूचर में देखें कि भाई इससे उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया, अपने बच्चों को सीख दिया करें, बारह दिन के रोज़े के हिसाब से बताया करें बारह दिन का रोज़ा रखना हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, परवल के रोज़े के हिसाब से बताया करें, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बताया करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में आप बताया करें, सब चीज़ों से हम छोटी चीज़ों से अपने बच्चों को नॉलेज देंगे, हम अपने साथ रखेंगे, हर चीज़ को सेलिब्रेशन करेंगे तो बच्चों की नॉलेज में भी अच्छा खासा इजाफा होगा, वो भी समझेंगे कि हाँ भाई हमारे बड़े हिसाब में जो समझाते थे वो तक, वो छोटे से बच्चों को आप समझाएँगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और माशाल्लाह से यहाँ रोज़े में और मेरे हस्बैंड और बच्चे मेरे रोज़ा रखेंगे, रोज़े की तैयारी भी है और मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, वहाँ पे कॉल आ चुकी है कि सालगिरह सेलिब्रेशन करनी है, केक कट कर रहा है, केक इंतज़ार कर रहा है, पर मैं आपको वहाँ का शूट नहीं दिखा सकती सॉरी, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं है मुझे वीडियो बनाने की, और ये केक पीस मैं घर पर लेकर आई थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे सालगिरह सेलिब्रेशन का केक है, माशाल्लाह से मुझे ज़रूर याद करेगा, और है ना मुझे एक अच्छा सा कमर ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होती है, इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, और अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।